हम आपको हल संधि पढ़ा रहे थे, जिसमें ड सी दुट सूत्र हो गया था। अब अगला सूत्र लेंगे नश्च। नश्च इसका नंबर है 8, 3, 30। इसका मतलब है नान्तात् परस्य सस्य धुट्वा, नान्तात् परस्य सस्य धुट्वा, अर्थात नकार से परे सकार को विकल्प से दुट का आगम हो जाता है ना। नकार से परे सकार को विकल्प से दुट का आगम हो जाता है। इसका उदाहरण है संसय और संसय। संधन है ना। तो यहाँ पे नश्य सूत्र से दुट का आगम हो जाएगा सकार को। आगम किसको कहते हैं? आगम मित्र के समान होता है, मतलब जिसका आगम होता है वो भी पास में आकर बैठ जाता है। तो यहाँ दुट का आगम हो गया और तो दुट भी यहाँ पास में आके बैठ जाएगा, है ना। दुट में तो कार शेष रहता है, और जो आदेश होता है वो शत्रु के समान होता है। जिसका जिसका आदेश होता है वो पहले वाले को हटा करके खुद बैठ जाता है। मान लो दुट का आदेश होता तो क्या करता, सकार को टाकर कूदा जाता, लेकिन यहाँ आगम हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम खरीचे सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। तो ये कार्य विकल्प और अधुट का आगम, यहाँ तो आगम हो गया। जे एक तो एक स्टेज तो है ये, दूसरी स्टेज है संधन से जहाँ आगम नहीं हुआ है ना। दोनों स्टेज है, दो स्टेज। अब खरीचे सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे। खरीचे सूत्र के द्वारा दकार के स्थान पर तकार हो जाएगा। सन अन आधा त धन स, और ये सन स, इस प्रकार दोनों सिद्ध हो जाएंगे सन स और सन स। ये तो हो गया। अब अपन आगे आगे चलते हैं, अगला सूत्र लेते हैं। तो अगला सूत्र है समासुटि। समासुटि आठ तीन पाँच। इस समय सूटी का होता है समय समो रु स्यात् सूटी। समो रु स्यात् सूटी, इसका मतलब होता है कि सम के मकार के स्थान पर रु आदेश हो जाता है। लिख लो भले सम के मकार के स्थान पर रु आदेश हो जाता है यदि सुट परे हो तो, है ना। सुट में सकार शेष रहता है, तो सम के मकार के स्थान पर रु आदेश हो जाता है यदि सुट परे हो तो, ठीक है ना। तो अब इस देखते हैं कैसे क्या है। तो इसका उदाहरण है संस्कर्ता। संस्कर्ता उदाहरण है के संस्कर्ता, है ना।
और ए के साथ इस करता। ये दो इसके उदाहरण है जो हम अगले व्याख्यान में बताएंगे।